नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी तक पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है और इनका धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है। हमारे साथ मौजूद है गुलाम हसन, आइए इनसे बात करते हैं। आपका भूख हड़ताल खत्म हो गया, शबे बारात खत्म हो गया, होली बीत गई और अभी तक धरना नहीं खत्म हुआ, और कितना पर्व आपको धरना के साथ मनाना है? देखिए, ये धरना हमारा धरना नहीं है बल्कि हमारी नियुक्ति है, और इस नियुक्ति को लेने के लिए, चूँकि जब तक से नियुक्ति नहीं होगी हमारे लिए कोई भी पर्व हो या त्यौहार हो बीत ही नहीं रहा है। और अगर हम बात करें होली का, दशहरा का, दिवाली का बात करें, या तो फिर बात करें शबे बारात का, ईद का बात करें, मुहर्रम का बात करें, तो हर एक त्यौहार हमारा इसी तरह सड़कों में ही बीत रहा है। तो त्यौहार, जब तक उस त्यौहार में हम खुश नहीं रहते हैं तब तक से हमें वो त्यौहार जैसा नहीं लगता है। और चूँकि हम बेरोज़गार हैं, झारखंड के 5000 स्टूडेंट जो पिछले 5 साल से एक एग्ज़ाम को देने के बाद बेरोज़गारी की हालत में जो जी रहे हैं, तो वो सच में किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए काबिल नहीं बचे हुए हैं। और वो घर जाने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि त्यौहार का मतलब क्या होता है? अभी साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो किन्हीं का उम्र 30 साल हो गया, किन्हीं का 40 साल हो गया, 35 साल हो गया है, और इस उम्र में भी त्यौहार में भी माँ बाप से 2 रुपया मांगने के लिए वो मोहताज हो जा रहे हैं। तो त्यौहार आखिर वो कब तक से त्यौहार मना पाएगा? उसके अंदर घुटन सी तो होना महसूस तो करता ही है ना। तो इसलिए सारे स्टूडेंट भी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रहेंगे, और त्यौहार जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी ना तब तक हम त्यौहार नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी त्यौहार हमारी नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर जारी होगा, और वो 15,000 वैकेंसी आया ही नहीं कभी। फिर से 20,000 का एक नया सा फिर से अपने तरफ से वो एक झूठा आश्वासन फेंके हैं युवाओं के ऊपर, ताकि धरना वगैरह बंद हो जाए, और फिर से उन्हें एक बार फिर से मजबूर कर रहे हैं फिर से धरना करने के लिए। तो उनके बातों में कितनी सच्चाई है वो तो खुद नहीं जानते हैं। उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जो वो बात बोलते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली वो वही करते हैं। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जो सस्ती पब्लिसिटी बटोरने के चक्कर में अपने ही जुबान से बार बार वो घिरते जा रहे हैं और पीछे हटते जा रहे हैं। आप लोगों को बता दूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम 2 साल के अंदर में 5 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे 5 लाख, और कल उन्होंने खुद इस बात से मुंह फेर दिया कि हमने कभी कहा ही नहीं है, जबकि पब्लिक डोमेन में है, ऑन सोशल मीडिया उन्होंने बोला है कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। लेकिन बिल्कुल आ जाने के बाद वो मुकर रहे हैं, मतलब कि अपने ही बातों पे वो मुकरते जा रहे हैं। तो आपने सुना कि गुलाम हसन का क्या कहना है, अगर इनकी नियुक्ति नहीं होती है तो ये ऐसा ही अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।